अपनी वंडर गर्ल पिंकी और उसका दोस्त गोलू, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनकी दोस्ती की चर्चा तो हर जगह होती है, लेकिन आज ये क्या हुआ? मैं तुझे बता रहा हूँ, तूने जो किया वो गलत है। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? तुम भूल गए, आज तक मैंने हर बार तेरे बारे में सोचा है। लेकिन इस बार तो तुम गलत हो। आज पहली बार ऐसा हुआ है। छोड़ दे, इतनी बड़ी क्या बात हुई? लेकिन तुम मुझे छोड़कर टिफिन खाने कैसे चली गई? मैं तुझे एक बार भी याद नहीं आया। अरे ऐसी नहीं बात है कोई भी, वो भी तो मेरे दोस्त है। लेकिन तुझे पता है ना, तेरी मम्मी के हाथ का डोसा मुझे बहुत पसंद है। तो कितने दिनों बाद लाई और मुझे दिए भी नहीं। अरे बाबा, लेकिन उनको भी तो मेरी मम्मी के हाथ के डोसे पसंद है, इसीलिए चिंकी और गुड्डू ने मुझे बुलाया था। अब बातों बातों में सारे डोसे खत्म हो गए, उसमें मेरी क्या गलती? अब वही तेरे दोस्त हैं, उनसे ही बात कर, मुझे तेरे से बात नहीं करनी। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगली बार फिर से मैं लेकर आऊंगी ना। मुझे नहीं चाहिए अगली बार। तुम मुझे छोड़कर टिफिन खाने कैसे चली गई? तू मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, बाय। इतना भी क्या अकड़ू बने जा रहा है? एक बार नहीं दिया तो क्या बिगड़ गया? आज तक बचपन से साथ में सब कुछ शेयर करते आए है ना? वही तो, आज क्या अलग बात हुई जो आज तुझे नए फ्रेंड्स याद आए और पुराने फ्रेंड को भूल गई? अब छोड़ भी देना, क्यों गुस्सा कर रहा है? कल ही तेरे लिए टिफिन में डोसे लेकर आऊंगी। नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। आज तो इन दोनों में बहुत लड़ाई हुई थी। दोनों इतने अच्छे बचपन के दोस्त, लेकिन एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत झगड़ गए थे दोनों, और फुर करते हुए अलग अलग बेंच पे बैठ गए। गोलू पिछले वाले बेंच पर और पिंकी अगली वाली बेंच पर। अरे क्या हुआ, तेरी तो पिंकी के साथ इतनी अच्छी बनती है, तो आज अलग बैठे हो? छोड़ना, वो बहुत ज्यादा अकड़ू है। अब उसे नए दोस्त मिल गए ना, तो पुराने दोस्त को कौन याद रखेगा? छोड़ना, छोटी सी बात के लिए इतना झगड़ा क्यों बना रहा है? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और अगर तुझे इस बारे में बात करनी है तो मैं कोई और जगह जाकर बैठता हूँ। तू तो बहुत ही गुस्सा है। अच्छा ठीक है, सॉरी। अब इस पिंकी से मैं कभी बात नहीं करूँगा। अरे पिंकी, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? इस गोलू के बच्चे को तो मजा चखाना होगा, बहुत अकड़ू बन रहा है। अरे इतने गुस्से में क्यों हो, क्या हुआ? छोड़ना, मुझे नहीं बात करनी इस बारे में। अभी मैं इस गोलू के साथ कभी बात नहीं करूंगी। उनकी दोस्ती के किस्से पूरे स्कूल में मशहूर थे, लेकिन आज उन दोनों में लड़ाई हो गई थी, इसलिए वो एक दूसरे से नाराज थे, बात भी नहीं कर रहे थे। स्कूल से घर आते ही दोनों ग्राउंड में खेलने चले गए, लेकिन वहाँ भी उनका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। अगर ये पिंकी यहाँ खेलेगी तो मैं यहाँ नहीं खेलूंगा। अरे यार, अब तुम दोनों का झगड़ा बंद करो। नहीं नहीं, अगर गोलू यहाँ होगा तो मैं भी घर जा रही हूँ। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग टीम में बांट देते हैं। एक होगी पिंकी की टीम और दूसरी होगी गोलू की टीम। ठीक है, चलो टग ऑफ वॉर खेलते हैं। हाँ हाँ, ये बहुत बढ़िया रहेगा। सभी लोग टग ऑफ वॉर खेलने में बिजी हो जाते हैं और पिंकी उसमें जीत जाती है। गोलू को और गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से घर चला जाता है। ये गोलू और राजू की टीम हार गई। दूसरे दिन टीचर क्लास में आई, उन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का अनाउंसमेंट किया। हेलो बच्चों, तुम लोग हमेशा पढ़ाई करते हो है ना? तुम्हारे माइंड को रिफ्रेशमेंट मिले, इसलिए स्कूल ने तुम सब लोगों के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन रखा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई से छुट्टी। आज सैटरडे है और कल संडे है,
दो दिन अच्छे से तैयारी करना और जो जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सारे बच्चे तैयार होकर आना मंडे को। अनाउंसमेंट करते ही टीचर वहाँ से चली गई और बच्चे एक दूसरे के साथ डिस्कस करने लगे। सारी ओर खुशी का माहौल हो गया। सब लोग चर्चा करने लगे कि कौन कौन सी ड्रेस पहनेंगे। मैं तो भाई आम बनूंगा, सब लोगों को हंसाऊंगा। मैं तो वंडर गर्ल का ड्रेस पहनूंगी और सबके सामने बहादुर बनूंगी। हाँ हाँ, मैं पायलट बनूंगा और हवा में उड़ूंगा। ओह, मैं तो मम्मी की साड़ी पहनूंगी और मम्मी की एक्टिंग करूंगी। पिंकी, तू क्या बनेगी? मेरा कुछ डिसाइड नहीं है, मैं सोचती हूँ कुछ। राजू पिछली बेंच पर आया और गुमसुम बैठे हुए गोलू से पूछने लगा। गोलू, तू क्या बनेगा? नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं करूँगा पार्टिसिपेट। सब बच्चे अलग अलग प्लान्स कर रहे थे लेकिन गोलू और पिंकी दोनों एक दूसरे से नाराज। राजू फिर से सबके साथ साथ ज्वाइन होते हुए पिंकी से पूछने लगा। क्या तुम्हें पता है गोलू इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले रहा? पिंकी को ये सुनकर अजीब लगा। वो फौरन गोलू के पास आई और उसने पूछा, तुम इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो गोलू? जब मेरी सबसे अच्छी दोस्त टूट कर बैठी है तो मेरी मदद कौन करेगा? पिंकी ने हंस दिया और दोनों की फिर से दोस्ती हो गई। अरे बुद्धू, इतना भी कोई झगड़ा करता है कि खुद को ही सैड फील होने लगे? मुझे माफ कर दे पिंकी, मैं ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता था लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे भी माफ कर देना गोलू, तू मेरा सबसे अच्छा और प्यारा दोस्त है और मुझे तुझे छोड़कर टिफिन खाने के लिए नहीं जाना चाहिए था। फाइनली तूने ये एक्सेप्ट कर लिया कि तेरी गलती थी। अच्छा बाबा, ठीक है, गलती मेरी है, अब तो मान जा, अब तो हंस। और ये सुनते ही दोनों भी हंस पड़े और कॉम्पिटिशन की तैयारी करने लगे। दोनों सोचने लगे कि गोलू के लिए कौन सा अच्छा ड्रेस बनाए। बता क्या बनना है तुझे, मैं तेरी हेल्प करूँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? कुछ यूनिक करते हैं ना, कुछ अलग करते हैं। लेकिन यूनिक मतलब क्या? यूनिक का मतलब कुछ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के भी मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे पुराने कपड़ों से हम तुम्हारे लिए कुछ कपड़े सिलते हैं। फटे पुराने कपड़ों से? हाँ, फटे पुराने कपड़ों से हम एक नया ड्रेस बनाएंगे। लेकिन किस तरह का ड्रेस? कुछ फैशन वाला जो ट्रेंड में होगा। देखकर तुझे भी सभी लोगों का मन करेगा कि कुछ ऐसा ही पहने। अरे वाह पिंकी, ये तो बहुत मस्त आइडिया है। आज शाम तेरे घर पर हम लोग ड्रेस बनाएंगे, ठीक है? हाँ, मेरी मम्मी भी हेल्प करेंगी। दोनों स्कूल छूटते ही पिंकी के घर आ गए और फिर उन्होंने रंग बिरंगे चमकीले कपड़ों से एक बढ़िया ड्रेस तैयार की। अरे वाह, तू तो हीरो लग रहा है हीरो। ड्रेस पहनकर गोलू कंपटीशन में गया। अंदर ही अंदर वो बहुत घबरा गया था। जैसे ही उसकी बारी आई वो स्टेज पे गया और उसने अपना स्पीच दिया। हेलो, मैं हूँ गोलू द फैशन ब्लॉगर। पुराने कपड़ों से मैंने नए कपड़े सिलाए हैं। रिसाइकल और रीयूज करना हमारे नेचर के इकोसिस्टम को बचाए रखता है। थैंक यू। गोलू की ये सोच और विचार देखकर जजेस बहुत खुश हो गए और गोलू को फर्स्ट प्राइज मिल गया। प्राइज लेते हुए गोलू बहुत खुशी के साथ नजर आ रहा था। जैसे ही पिंकी उसे दिखी वो दौड़ते हुए उसके पास आया। थैंक यू सो मच पिंकी, अगर तू ना होती तो मैं आज जीत नहीं पाता। तू मेरी बहुत सच्ची और प्यारी दोस्त है। आज के बाद मैं कभी भी तेरे से झगड़ा नहीं करूँगा।
सिर्फ थैंक्स से काम नहीं होगा, मुझे पार्टी भी देनी पड़ेगी। फिर दोनों ही हंस पड़े। सब लोग गोलू के लिए तालियां बजा रहे थे। गोलू और पिंकी ने साथ में जीत कर सेलिब्रेशन किया। अपना कमरा साफ सुथरा और अच्छे से रखना हर किसी के बस की बात नहीं, और अगर हम बच्चों के कमरे की बात करें तो फिर तो वो बिखरा हुआ ही रहता है, अस्त व्यस्त हमेशा मिलेगा आपको। और फिर उस कमरे को फिर से अच्छा बनाने के लिए मम्मी लोगों की भाग दौड़ चलती रहती है। कितनी बार कहा है गोलू अपनी चीजें यहाँ वहाँ मत डाल दिया करो। मम्मी गोलू का अस्त व्यस्त कमरा संभाल रही थी कि गोलू की बाहर से आवाज आई। मम्मी, मेरे कैप नहीं मिल रही, कहाँ रखी है? जल्दी बताओ, मुझे खेलने जाना है। गोलू की मम्मी गुस्से में बाहर आती हैं। एक दो कमरा ठीक करो, ऊपर से तुम्हारी चीजें ढूंढ कर दो, ये लो, और ज्यादा देर तक नहीं खेलना है। लेकिन मम्मी की बात पूरी होने से पहले ही गोलू कैप लेकर भाग गया था, और गोलू की मम्मी फिर से उसका कमरा ठीक करने में लग गई। ऐसा है गोलू, जिसे जरूरत के वक्त कोई चीज झट से नहीं मिलती, लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट है हमारी पिंकी। हाँ हाँ, हमारी वंडर गर्ल पिंकी, उसका कमरा एकदम साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे से रहता है। जरूरत की चीजें अपनी अपनी जगह पर ठीक रखी हुई हैं। अरे वाह पिंकी, तुमने तो कपबोर्ड भी बहुत अच्छे से रख लिया। मम्मी, इसे मुझे ही चीजों में ढूंढने में आसानी होती है, इसलिए मैंने वक्त निकाल कर इसे भी ठीक कर दिया। मेरी लाडली बेटी। पिंकी कमरा बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रखती थी और इस बात का उसे फायदा मिलता था। और दूसरी ओर गोलू, जिसे हर चीज के लिए मम्मी को आवाज लगानी पड़ती थी। एक दिन ऐसे ही गोलू अपनी मम्मी के साथ पिंकी के घर आया था, और गोलू की मम्मी ने पिंकी का कमरा देखा। उन्हें पहले लगा था कि पिंकी तो गोलू की ही दोस्त है, उसी के जैसी आदतें होंगी उसकी। लेकिन गोलू की मम्मी पिंकी का कमरा देखकर बहुत खुश हो गई। वाह, कितना अच्छा साफ और शांत कमरा है तुम्हारा पिंकी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड किया है तुमने। थैंक यू आंटी जी। किताबें, खेलने की चीजें अपनी अपनी जगह पर हैं। वाह, मैं तो तुम्हारा कमरा देखकर दंग रह गई हूँ। और हाँ गोलू की मम्मी, ये कमरा अच्छा साफ पिंकी खुद करती है, कभी भी मेरी मदद नहीं लेती है। ये बहुत ही प्यारी बच्ची है पिंकी, तुम कैसे ये सब कर लेती हो, ये जरा हमारे गोलू को भी बताओ। हमेशा मम्मी ये कहाँ है, मम्मी वो कहाँ है, ऐसा पूछता रहता है ये। मम्मी, आप भी ना कभी कभी मैं चीजें रख कर भूल जाता हूँ। कभी कभी, अच्छा ठीक है। हंसी का ठहाका लगता है। पिंकी की मम्मी और गोलू की मम्मी अपनी बातों में लग जाती हैं। पिंकी गोलू ग्राउंड में खेलने के लिए चले जाते हैं। ग्राउंड में दोनों की इसी डिसिप्लिन के बारे में बात चलती है, लेकिन गोलू जो है वो हमेशा की तरह पिंकी को वंडर गर्ल होने का है ये एडवांटेज मानकर चलता है। देखा, आज तुम्हारी मम्मी ने मेरी भी तारीफ की। हाँ सच में तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत है पिंकी, तुम्हारी तारीफ तो होनी ही चाहिए। थैंक यू थैंक यू। लेकिन तुम वंडर गर्ल हो, इसलिए तुम्हें तुम्हारा कमरा अच्छे से रखना आसान है। तुम अपनी शक्तियों से फटाफट कमरे को ठीक कर सकती हो। मेरे पास कहाँ है शक्तियाँ इतनी। गोलू के चेहरे पर मायूसी छा गई। पिंकी को गोलू का ऐसा उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लगा, तो पिंकी को एक आइडिया आया। उसने गोलू को कहा, गोलू ऐसी शक्ति मैं तुम्हें दे सकती हूँ, जिससे तुम अपना कमरा अच्छे से रख पाओगे। पिंकी ने शक्ति के बारे में बात कही तो गोलू एकदम से एक्साइटेड हो गया और पिंकी से पूछने लगा, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन एक शर्त है, चिट्ठी में जो भी मंत्र लिखा है उसे तुम्हें फॉलो करना होगा। ठीक है, तुम
मंत्र दे दो, उसे मैं जरूर फॉलो करूंगा। पिंकी गोलू को चिट्ठी पर मंत्र लिखकर देती है। गोलू खुश हो जाता है। उसके बाद पिंकी और गोलू अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर गोलू अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी कल से मेरा कमरा भी पिंकी के कमरे की तरह ही साफ और अच्छा होगा। गोलू की ये बात सुनकर उसकी मम्मी बहुत खुश हो जाती हैं। उसे लगता है कि पिंकी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है और उसी के कारण गोलू ने अपना कमरा अच्छे से रखने की बात कही है। गोलू एक्साइटेड होकर अपने कमरे में जाता है और चिट्ठी को खोलता है तो देखता है कि उसमें कोई मंत्र नहीं लिखा हुआ है। हैं? इसमें तो पिंकी ने कोई मंत्र नहीं लिखा है, बस कुछ सूचनाएं नजर आ रही हैं। गोलू एक एक करके वो सूचनाएं पढ़ने लगता है। पढ़ाई करने के बाद किताबें वापिस उसी जगह रखनी है। दूसरा कमरा थोड़ा गंदा नजर आए तो झाड़ू लगाना है। तीसरा छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल के बाद ड्रॉअर में रखनी है। और ये चौथा, कोई भी चीज यहाँ वहाँ नहीं फेंकनी है। गोलू ने सब सूचनाएं अच्छे से पढ़ी और गोलू सोचने लगा, मैंने पिंकी को प्रॉमिस किया है, मैं ये सब फॉलो करूंगा। गोलू वो सूचने वाला कागज अपने कमरे में ऐसी जगह लगाता है जहाँ से उसे आते जाते वो सूचनाएं दिखें। इस वजह से जब भी गोलू कमरे में आता है तो वो चीजें यहाँ वहाँ दिखती हैं तो उसे अच्छे से रख देता है। धीरे धीरे गोलू का कमरा भी सुंदर और समेटा हुआ दिखने लगा। अब वो बिल्कुल अच्छे से अपने कमरे को रखता था। इस वजह से गोलू की मम्मी भी गोलू से बहुत खुश होती थी। क्या बात है गोलू बेटा, तुम्हारा कमरा तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। थैंक यू मम्मी। कुछ दिनों के बाद जब गोलू पिंकी से मिला तो उसने पिंकी से कहा, पिंकी तुमने कागज में जो मुझे लिख कर दिया था वो मैंने फॉलो किया है। और तुम्हें पता है मेरी मम्मी ने भी मेरी तारीफ भी की है। वाह, बहुत बढ़िया गोलू, गुड जॉब। लेकिन गोलू के मन में एक सवाल था जो उसने पिंकी से पूछा, पिंकी तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम मुझे सुपर पावर दे रही हो? नहीं नहीं गोलू, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। मैंने तुम्हें अनुशासन की पावर दी थी जिससे तुम भी डिसिप्लिन में रह सको। गोलू के चेहरे पर फिर से एक सवाल दिखाई देता है तो पिंकी गोलू को समझाती है, इसी अनुशासन की पावर से मैं अपने सारे काम वक्त पर कर पाती हूँ और इसी की वजह से मैं अपने कमरे को अच्छी तरह से रख पाती हूँ जिससे मेरा कमरा अच्छा दिखता है। मतलब वही अनुशासन का पावर अब मुझ में भी आ गया है? हाँ गोलू बिल्कुल, अब देखना तुम्हारे काम भी तुम हमेशा वक्त पर कर पाओगे। थैंक यू पिंकी, तुम्हारी वजह से मैं अनुशासन के पावर को जान पाया हूँ। गोलू इसी अनुशासन के पावर से अपने सारे काम करता है, चीजों को सही जगह पर रखता है और अपने कमरे को सुंदर और समेटा हुआ बना के रखता है। मम्मा आज खाने में क्या बनाया है? अरे आज मैंने खीर पूरी हलवा सब कुछ तेरी पसंद का बनाया है। और ये आलू की सब्जी, ये नहीं मुझे पसंद, ये भी बनाई है। अरे आलू की सब्जी तेरे मामा को बहुत पसंद है इसलिए बनाई है। मतलब मामा आने वाले हैं? हाँ पिंकी, आज तेरे मामा आने वाले हैं।
क्यों? क्या हुआ? आज क्या खास बात है? आज रक्षाबंधन है। ये क्या होता है? रक्षाबंधन मतलब भाई बहनों का फेस्टिवल होता है, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसके बदले अपनी बहन की रक्षा करता है। लेकिन हमेशा भाई क्यों रक्षा करेगा? बहन भी तो रक्षा कर सकती है। अरे हाँ मेरी लाडली, बहन भी रक्षा कर सकती है। फिर क्यों हमेशा भाई रक्षा करने का वादा करता है? मैं तुझे इसकी कहानी बताती हूँ। शिशुपाल नाम का एक राजा था जो अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करते थे। उन्होंने एक बार भरी सभा में कान्हा जी का अपमान किया तो कान्हा जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका सर धड़ से अलग कर दिया। तब उनकी उंगली पर चोट लग गई और उनके चोट से बहुत सारा खून बहने लगा। फिर सारे लोग उस पट्टी पर बांधने के लिए कपड़ा ढूंढने लगे। द्रौपदी भी वहीं खड़ी थी जिसने कान्हा जी को अपना भाई माना था। उसने अपनी चमकती दमकती साड़ी को फाड़ दिया और उससे पट्टी बनाकर कान्हा जी को बांधा और फिर इस बदले में कान्हा जी ने उन्हें वचन दिया कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ेगी तो वो उनकी मदद करेंगे। जब महाभारत युद्ध के दौरान द्रौपदी को जरूरत थी तो कान्हा जी ने उनकी मदद की थी, उनकी रक्षा की थी, इसलिए सारी बहनें तब से लेकर आज तक अपने भाई की कलाई पर राखी के एक रूप में पट्टी बांधती हैं, जो अपने भाई की रक्षा करे और उसके बदले में भाई अपने बहन की रक्षा करता है। भाई बहनों का ये पवित्र बंधन सालों साल की हमारी परंपरा है। अगर आज के दिन मम्मी अपने भाई को राखी बांधेगी तो मैं किसको राखी बांधूं? मुझे भी भाई चाहिए। ऐसे कैसे भाई आ सकता है? नहीं मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई चाहिए। अरे शांत हो जाओ पिंकी, शांत हो जाओ। नहीं अब मैं तभी शांत होंगी जब मेरा भाई ये होगा। हे भगवान, ये लड़की हमेशा परेशान करती है। पिंकी बेटा तू अच्छी बच्ची है ना, तो जल्दी जाके अंदर पढ़ाई कर। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। क्या करूं इस लड़की का, कुछ भी जिद लेकर बैठ जाती है। मैं अभी बाहर से कुछ सामान खरीद कर ले आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना वरना साले साहब आ जाएंगे घर और बहन ही नहीं होगी। अभी जाकर आती हूँ। मम्मी। अरे क्या हुआ गोलू? मम्मी 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 के आगे भी कुछ बोलेगा या नहीं? क्या हुआ ये तो बता। मम्मी सभी लोग अपने मामा के घर गए हैं या फिर उनके मामा उनके घर आए हैं। मुझे भी मेरे मामा के घर जाना है। अरे गोलू बेटा जाएंगे हम मामा के घर जरूर जाएंगे, लेकिन इस बार पहुंच नहीं पाएंगे। मामा जरूरी काम से बाहर गया है, देश से बाहर गया है मामा। तो उन्हें बुला लाओ ना। अरे नहीं आ सकते इतनी जल्दी वो बेटा। तो फिर मुझे कोई बहन ला कर दो। अरे ये क्या जिद है भला। अरे मम्मी मामा जी आते तो आप हर साल उन्हें राखी बांधती हो और हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। अगर इस बार मामा जी नहीं आएंगे तो हम रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे बेटा एक साल नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है, अगले साल आ जाएंगे तेरे मामा जी। लेकिन मुझे इसी साल ही रक्षाबंधन सेलिब्रेट करना है। अरे क्या कर सकते हैं बताओ, मामा जी तो आ नहीं रहे। तो फिर मुझे कोई बहन ला कर दो। कितना अच्छा लगता है जब आप मामा जी के कलाई पे धागा बांधते हो। मुझे भी कोई
अरे गोलू, अब कहाँ से लाऊं तेरे लिए बहन? मुझे नहीं पता, आप कहीं से भी लाओ, मुझे बहन चाहिए, मतलब चाहिए। अरे ऐसी बेहुदा जिद नहीं करते मेरे बच्चे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बहन चाहिए, मुझे बहन चाहिए। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बच्चे का। अरे क्या हुआ गोलू बेटा, क्यों रो रहे हो? अरे भाभी देखो जरा इसे, बहन चाहिए ऐसी जिद पकड़कर बैठा हुआ है। हमारी पिंकी भी भाई चाहिए कहकर जिद करके बैठी हुई है। हर बार रक्षाबंधन का यही हाल है, हमेशा गोलू यही जिद करता है, कोई बहन चाहिए। अरे अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो उन्हें इस सारे फेस्टिवल का अट्रैक्शन होता है। अभी पिंकी के मामा भी आ गए हैं और उसका कहना है कि मुझे भी कोई भाई चाहिए जिसकी कलाई पर राखी बांधूं। अरे गोलू भी यही जिद पकड़कर बैठा है, उसे कोई बहन चाहिए जो उसकी कलाई पर राखी बांधे। बड़े ही जिद्दी हैं दोनों बच्चे। मुझे एक आइडिया है, क्यों ना पिंकी गोलू की बहन बन जाए और गोलू पिंकी का भाई, मतलब दोनों की जिद पूरी हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। मेरे दिमाग में कई सालों से एक बात और थी, अपने बाजू के अनाथ आश्रम में जो बच्चे हैं उनके लिए कोई नहीं होता, आज शाम हम उनके लिए कॉलोनी के ग्राउंड में सार्वजनिक रक्षाबंधन अरेंज कर देते हैं। अरे वाह भाभी, ये तो सोने पे सुहागा है। क्या सच में मुझे मेरी बहन मिल जाएगी? हाँ लाडले, तो चिंता मत कर, मैं अभी तुम्हारे रक्षाबंधन की तैयारी करती हूँ, शाम में हमारे घर आ जाना, ठीक है? ये, मुझे बहन मिल गई, मुझे बहन मिल गई। कितनी देर कर दी आपने आने में, सुबह से आपका वेट कर रही थी। ये मामा आ गए। अरे मेरी प्यारी बहना, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन क्या करूं, काम खत्म करके ही आना पड़ता है ना। हाँ हाँ, काम बहुत जरूरी है, बहन से भी ज्यादा जरूरी है ना। अरे बाबा, बहन जरूरी है, इसीलिए तो आया हूँ। अब जल्दी से मेरे कलाई पर राखी बांध दे, चल। अरे हाँ हाँ, मुझे दिन भर वेट कराया, अब तू भी थोड़ी देर वेट कर, पिंकी के सारे भाई आने वाले हैं। सारे भाई मतलब? मम्मी ने बाजू के अनाथ आश्रम वाले सभी को रक्षाबंधन के लिए न्योता दिया है। आपने कॉलोनी के ग्राउंड में सार्वजनिक रक्षाबंधन का मम्मी ने आयोजन करवाया है। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया है। हाँ, मतलब जिनको भाई नहीं और जिनको बहन नहीं, उनके हम भाई बहन बनेंगे। पिंकी बहुत जिद कर रही थी भैया, उसे रक्षाबंधन मनाना था और उसके लिए ये सारा आयोजन करना पड़ा। अरे वाह, चलो फिर कॉलोनी में देखते हैं कैसे किया है मेरी बहन ने आयोजन। अरे हाँ हाँ चलो, पिंकी के पापा भी वहीं पे रुके हैं। थैंक यू आंटी, हमारे जैसे अनाथ बच्चों के लिए इतना सब कुछ, इतनी तैयारियाँ करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे सभी लोग एक लाइन में बैठ जाइए, ये सारी राखियाँ हमने अनाथ बच्चों से बनवाई है, कॉलोनी के सारे लोगों ने खरीद लिया ताकि उन्हें पैसों से बच्चों को एक फैसिलिटी मिल सके। चलो चलो, अभी सारे लोग एक लाइन में बैठ जाओ, अभी हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है? चलो, पिंकी आ गई तो अब जल्दी से मेरी कलाई पर राखी बांध, फिर मैं तेरी रक्षा करूंगा। अच्छा गोलू के बच्चे, तुझे तो पता ही है रक्षा हमेशा कौन करता है। आजकल की जिंदगी बड़ी भाग दौड़ भरी है, लोग बस अपना काम पूरा करने के लिए भागते ही रहते हैं। लोगों को वक्त की कीमत का पता है, इसलिए हर कोई काम वक्त पर हो इस वजह से झगड़ रहा है। आप अगर काम टाइम टू टाइम करते हो तो आपका काम आसानी से हो जाता है और आपको खुद के लिए भी वक्त मिल जाता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट। और अपनी वंडर गर्ल पिंकी अपने सब काम वक्त पर करती है,
क्योंकि उसका टाइम टेबल सुबह 6 बजे ही उसका अलार्म बजता है। गुड मॉर्निंग पिंकी, चलो ब्रश करते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज। पिंकी बेटा, उठ गई क्या मेरी अच्छी बच्ची? हाँ मम्मी, मैं एक्सरसाइज और रनिंग करके आती हूँ, आप मेरा नाश्ता और दूध तैयार रखना। ठीक है बेटा। पिंकी ने खुद के लिए एक ऐसा टाइम टेबल बनाया था जिससे उसका काम वक्त पर हो जाता था। सुबह 6 बजे उठना, जॉगिंग, स्कूल खेलना, कूदना, ये सब टाइम टू टाइम वो करती थी। यहाँ पिंकी सुबह जल्दी उठकर स्कूल की तैयारी में लग गई है, लेकिन पिंकी का दोस्त हमारा प्यारा गोलू अब तक नींद से झगड़ रहा है, और गोलू की मम्मी है जो गोलू को स्कूल के लिए उठा रही है। अरे गोलू, कब तक सोते रहोगे? उठो, स्कूल नहीं जाना है, उठो जल्दी। मम्मी, सोने दो ना मम्मी, नींद नहीं पूरी हुई है मेरी। अरे अगर अभी नहीं उठोगे स्कूल के लिए देर हो जाएगी गोलू, उठो वरना मार पड़ेगी अब। जैसे तैसे आधी नींद से उठकर गोलू तैयार होने के लिए जाता है। गोलू की मम्मी फटाफट टिफिन तैयार करती हैं और गोलू को स्कूल के लिए रेडी करती हैं। यहाँ बस स्टॉप पर स्कूल की बस गोलू का इंतजार कर रही है, लेकिन गोलू अभी तक उस बस स्टॉप तक नहीं पहुँचा। पिंकी सोचती है, शायद गोलू की तैयारी नहीं हुई होगी और वो आज फिर से लेट होने वाला है। अरे अभी स्कूल बस के बाहर मम्मी खड़ी है, इसलिए मैं वंडर गर्ल बनकर गोलू को स्कूल भी नहीं लेकर आ सकती। पिंकी का सोचना सही था, गोलू बस स्टॉप पर पहुंच नहीं पाया, इसलिए स्कूल बस स्कूल के लिए निकल गई। और उसके कुछ मिनटों बाद गोलू बस स्टॉप पर पहुंचा तो उसे पता चला कि बस तो कब की जा चुकी है। मम्मी, स्कूल बस तो चली गई। अरे तुम्हें कहा था गोलू की सुबह जल्दी उठा करो, चलो फिर से घर, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ेंगे। गोलू फिर से घर जाता है और पापा उसे स्कूल छोड़ते हैं, और गोलू स्कूल पहुंचने में देरी हो जाता है और गोलू को जो लेट थी उनके लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जिसके बाद सबको पनिशमेंट भी मिलती है। पनिशमेंट लेकर क्लास में आया गोलू पिंकी के पास बैठ जाता है तो पिंकी उसे पूछती है, तुम लेट क्यों आते हो गोलू, जल्दी आया करो। अरे यार पिंकी, रात को होमवर्क कर रहा था इसलिए लेट हो गया सोने के लिए, और सुबह उठा तो नींद भी पूरी नहीं हुई, कल से पक्का वक्त पर आऊंगा। उस दिन स्कूल में गोलू लंच ब्रेक तक तो नींद में ही था और उस वजह से उसका ध्यान भी नहीं था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद पिंकी, गोलू और बाकी दोस्त साथ में ही घर गए। दोस्तों, घर जाकर फटाफट से ग्राउंड पर आ जाओ, फुटबॉल खेलते हैं, कोई लेट मत करना। अरे गोलू, मुझे होमवर्क कंप्लीट करना था। ज्यादा नहीं, हमें तो बस 1 घंटा खेलना है। पक्का ना? ठीक है, तो मिलते हैं। तय किए गए मुताबिक फुटबॉल खेलने के लिए सब लोग ग्राउंड पर इकट्ठा हो गए और खेल शुरू हो गया। सब लोग खेलने में इतने ज्यादा खो गए कि कब 1 घंटा हो गया उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन पिंकी को वक्त का पता था, उसने गोलू से कहा, गोलू 1 घंटा हो गया है, चलो अब निकलती हूँ मैं। और थोड़ी देर खेलते है ना? नहीं, अगर और खेलते रहे फिर होमवर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम जाओ, हम अभी थोड़ी देर और खेलकर घर चले जाएंगे। पिंकी ग्राउंड से चली गई, गोलू और बाकी दोस्त वहीं फुटबॉल खेलते रहे। खेलते खेलते उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और कब शाम हो गई उन्हें खबर भी नहीं थी। यहाँ पिंकी ने अपने टाइम टेबल के अनुसार होमवर्क भी कर लिया था, उसे अपना फेवरेट कार्टून देखने का समय भी मिल गया, लेकिन गोलू को खेल कर आने के बाद भूख लग गई। मम्मी, खाना। अरे पहले होमवर्क करो। खाना खाने के बाद पक्का करूंगा।
गोलू ने खाना खाने के बाद होमवर्क करने की सोची, मगर वैसा हो ना पाया और वो सो गया। दूसरे दिन गोलू स्कूल में तो वक्त पर पहुंचा, लेकिन आज उसने होमवर्क नहीं किया था। क्लास टीचर जब क्लास में आई और उन्होंने होमवर्क के बारे में पूछा, तो बहुत से बच्चे जिन्होंने होमवर्क नहीं किया था वो खड़े हो गए। हाँ, इतने सारे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया, क्या करते हो तुम घर पर? पिंकी ने अपनी होमवर्क कंप्लीट की हुई नोटबुक टीचर को दिखाई और टीचर ने पिंकी की तारीफ की। शाबाश पिंकी, कुछ सीखो पिंकी से, वो कभी लेट नहीं आती और उसका होमवर्क भी कंप्लीट रहता है। टीचर के जाने के बाद गोलू और उसके बाकी सभी दोस्त पिंकी के पास इकट्ठा हो गए और उसे पूछने लगे। यार पिंकी, तुम भी तो हमारे साथ फुटबॉल खेल रही थी, फिर भी तुम्हें होमवर्क करने के लिए वक्त कैसे मिल गया? हाँ हाँ पिंकी, हमें बताओ तुम खेलना और होमवर्क दोनों कैसे कर लेती हो? और कभी भी स्कूल में लेट नहीं आती, तुम अपना टाइम कैसे मैनेज करती हो? पिंकी समझ गई थी कि उसके दोस्तों का टाइम फिक्स नहीं हो पाता है। ये इसलिए पिंकी ये तय करती है कि उसका टाइम टेबल सबके साथ शेयर करेगी, ताकि सबको अपना टाइम टेबल बनाने में आसानी हो। सब दोस्त पिंकी के पास बैठ गए और पिंकी ने एक कागज निकालकर टेबल पर रखा, जिसमें 24 घंटे बराबर एक दिन ऐसा लिखा था, और पिंकी ने समझाने की शुरुआत की। देखो दोस्तों, हमारे पास 24 घंटे होते हैं, जिन्हें हमें अच्छे से डिवाइड करना होगा। जैसे हमारा दिन सुबह 6 बजे शुरू होता है, तो यहाँ लिखना है वेकअप 6 AM। हमारे इस टाइम टेबल में हम दिन में जो जो चीजें करने वाले हैं, उसे लिखना है। जैसे 6 AM मॉर्निंग वेकअप, 7 AM जॉगिंग एक्सरसाइज, 10 AM स्कूल, फिर लंच ब्रेक और स्कूल छूटने के बाद 4 PM खेलना, 5 PM ट्यूशन, फिर 8 PM खाना खाना है और बाद में अपना मनपसंद कार्टून देखकर सो जाना है। और फिर ऐसा लिखने के बाद, हाँ अच्छा हुआ पूछ लिया, ये सब बस लिखकर भूल नहीं जाना, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी तुम वक्त रहते खेलना, होमवर्क करना, ट्यूशन जाना, ऐसी सभी चीजें कर पाओगे। इसके बाद पिंकी के सभी दोस्तों ने एक अपना अपना टाइम टेबल बनाया और उसे फॉलो करना शुरू किया। गोलू भी टाइम टेबल फॉलो करने लगा तो उसका खेलना और होमवर्क दोनों हो जाते और उसे टीचर की डांट भी नहीं सुननी पड़ती थी। आप भी हमारी वंडर गर्ल पिंकी जैसा अपना टाइम टेबल बना कर देखिए, आपके भी सारे काम वक्त रहते पूरे हो जाएंगे और आपको खुद के लिए एक अलग समय मिलेगा।